Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज लाइव में। दोस्तों, टीम इंडिया के स्टार विकेटकीपर ऋषभ पंत की कार का 30 दिसंबर को तड़के सुबह एक्सीडेंट हो गया। उत्तराखंड के रुड़की जाते हुए ऋषभ पंत की कार हादसे का शिकार हो गई। एक्सीडेंट के बाद सामने आया वीडियो में ऋषभ पंत गंभीर रूप से चोटिल दिख रहे हैं और गाड़ी में आग लग गई है। महज 25 साल के पंत क्रिकेट की दुनिया में अपने खेल में जबरदस्त छाप छोड़ चुके हैं। पंत अपने आक्रामक बैटिंग के अंदाज के लिए जाने जाते हैं। भारतीय टीम के लिए उन्होंने कई विनिंग भी खेली है। भारतीय क्रिकेट में शामिल होने के बाद ऋषभ पंत की संपत्ति में खूब जो है बढ़ोतरी हुई है। आज के समय में ऋषभ पंत अरबों रुपए के मालिक है। कितना है पंत का नेटवर्थ? मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ऋषभ पंत ने साल 2020 में 29.19 करोड़ रुपए की कमाई की थी। वहीं 2021 में पंत की कुल नेटवर्थ $5 मिलियन, यानी कि फिलहाल ऋषभ पंत का कुल जो नेटवर्थ है वो लगभग $8.5 मिलियन, यानी कि भारतीय रुपये में जब मैं बात करूं तो लगभग 70 करोड़ रुपए के मालिक है। बाएं हाथ के बैट्समैन ऋषभ पंत कारों के काफी शौकीन है और कार कलेक्शन में उनके पास मर्सिडीज, ऑडी 8 और फोर्ड कारें शामिल है और इन कारों की कीमत जो है वो करोड़ों रुपए में है। पंत की सालाना कमाई कितनी है? ऋषभ पंत ब्रांड एंडोर्समेंट में भी जमकर कमाई करते हैं। ड्रीम 11, रियलमी, बोट, एसजी, नॉइज और कैडबरी के ब्रांड्स को एंडोर्स करते हैं। उनकी सालाना कमाई लगभग $2 मिलियन से अधिक है। ऋषभ पंत मूल रूप से उत्तराखंड के ही आते हैं, लेकिन अब वह दिल्ली शिफ्ट हो गए हैं। ऋषभ पंत ने दिल्ली की तरफ से घरेलू क्रिकेट भी खेला है और टीम इंडिया के स्टार खिलाड़ियों में शुमार है। अंडर 19 वर्ल्ड कप में चमके थे पंत। ऋषभ पंत टीम इंडिया की कप्तानी भी कर चुके हैं, उन्हें फ्यूचर का लीडर भी बताया जाता है। आईपीएल में वो अपनी टीम दिल्ली कैपिटल्स के लिए कप्तानी करते हैं। पंत पहली बार अंडर 19 वर्ल्ड कप 2016 में भारत के लिए खेलते नजर आए थे। तब ऋषभ पंत 18 गेंदों पर सबसे तेज अर्धशतक जड़कर सुर्खियां बटोरी थी। इंटरनेशनल डेब्यू की बात करें तो इसके बाद एक फरवरी 2017 को इंग्लैंड के खिलाफ बेंगलुरु T20 मैच उनका इंटरनेशनल डेब्यू हुआ और पहले टेस्ट उन्होंने अगस्त 2018 में इंग्लैंड के खिलाफ नॉटिंघम में खेला था। वनडे नेशनल में ऋषभ पंत ने अपना डेब्यू 21 अक्टूबर 2018 को किया था। घर जा रहे थे पंत। पंत को चोट के कारण श्रीलंका के खिलाफ अगले सीरीज के लिए भारतीय टीम में नहीं चुना गया था। ऐसे में वो अपनी मर्सिडीज कार से दिल्ली से अपने घर रुड़की जा रहे थे। इस दौरान शुक्रवार तड़के उनके साथ यह दुखद हादसा हो गया और इसमें उन्हें जो है काफी ज्यादा गंभीर चोटें भी आई है, जिसके बाद अब कयास भी लगाया जा रहा है कि क्या जो ऋषभ पंत है वो आने वाले समय में क्रिकेट खेल पाएंगे भी या नहीं। बाकी इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।